हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम केवी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, विच इज़ आई एम केवी, और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन का बटन आता है उसे प्रेस जरूर करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो, आज की हम वीडियो में करेंगे वर्कआउट। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि हमें कोई वर्कआउट बताए जिससे वेट कम हो जाए और वो घर पे ही करना चाहते हैं। तो आजकल अगर आप जिम नहीं जा रहे हो और घर पे ही आपको एक्सरसाइज करके वेट कम करना है तो इस वर्कआउट को अपने रूटीन में जरूर 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 ऐड करना, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। इसमें मैं कुछ एक्सरसाइज लेके आई हूँ, सो कार्डियो से लेकर थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग और फिर लास्ट में मैंने एब्स वर्कआउट ऐड किया। तो एक प्रॉपर रूटीन है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, डेली भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है बिगनर्स के लिए। और एक चीज, इसमें मैंने कुछ 10-11 एक्सरसाइज ऐड करी है। अगर आपसे कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है तो मुझे नीचे कॉमेंट करना, तो मैं उस एक्सरसाइज का नेक्स्ट टाइम ट्यूटोरियल लेके आऊंगी ताकि वो आपको एक्सरसाइज करना आ जाए। बाकी की एक्सरसाइज जरूर फॉलो करना, और एक्सरसाइज कैसे करनी है ये मैं तब बताऊंगी आपको जब मैं वर्कआउट करना स्टार्ट करूंगी। इसके साथ आपको सिर्फ बैलेंस डाइट पर ध्यान देना है, विच मीन्स ईट क्लीन एंड ईट गुड। अगर आपको नहीं पता है बैलेंस डाइट क्या होती है तो आप मेरी वीडियो दे सकते हो, फुल डे ऑफ ईटिंग, जो कि मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो और साथ में ये वर्कआउट ऐड कर सकते हो और अपना वेट कम कर सकते हो। और एक चीज, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि हम वेट तो कम करना चाहते हैं लेकिन हम अपना स्किन का ग्लो नहीं खत्म करना चाहते, हम अपना हेयर की स्ट्रेंथ खत्म नहीं करना चाहते। तो मैं उन लोगों के लिए एक सोल्यूशन लेके आई हूँ जो लोग वेट लॉस जर्नी में हैं और अपना वेट कम करना चाहते हैं। सो दिस इज न्यू हर्ब्स की डीप सी फिश ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसके अंदर है विटामिन डी और विटामिन ई। जो लोग फिश नहीं खाते उनके लिए सब्स्टिट्यूट है, तो ये सॉफ्ट जेल है इसके अंदर। तो आपको इसे 2 रोज लेनी है। इससे आपका ना ही स्किन का ग्लो रहेगा हमेशा, ना ही सिर्फ आपके हेयर की स्ट्रेंथ हमेशा रहेगी बल्कि आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है कि मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि हम वर्कआउट करते हैं तो हमें पेन होता है बॉडी में, और कई लोगों के तो नी में भी पेन होता है, तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। साथ में जो कॉमन डिजीज होते हैं जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, जो हमारा एलडीएल होता है उसे कंट्रोल करता है, हमारा हार्ट के लिए अच्छा है, ब्रेन, अगर आपका किसी से भी रिलेटेड स्ट्रेस लेवल है उसको कम करता है, साथ में आपकी आई के लिए अच्छा है। तो ये बहुत इफेक्टिव है, इसे आप दिन में 2 बार लीजिए। मैं बेस्ट टाइम सजेस्ट करूंगी ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, तो आप इसे ले सकते हो। ये कहाँ से अवेलेबल है इसका मैं परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से उसको परचेस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कआउट करना। स्टार्ट करेंगे हम थोड़े से वार्म अप से। सो वार्म अप, आप कभी भी वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट से पहले वार्म अप जरूर करिए, इससे हमारी मसल जो है वो वर्कआउट के लिए रेडी होती है और हमारे जो बॉडी में वर्कआउट के ड्यूरिंग जो हमारी इंजरी हो जाती है उससे हम चांसेस जो है वो नहीं रहेंगे कि आपकी बॉडी में इंजरी ना हो। तो अब हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप के लिए स्टार्ट 2-3 मिनट का वार्म अप बहुत होता है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगेन this side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 this side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 legs थोड़े से wide, बैक स्ट्रेट, हाथ जो आप लूज करने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नेक्स्ट अब आपको साइड करना है ये साइड 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 साइड स्ट्रेच होनी चाहिए 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10 नाउ अगर आप टो टच कर सकते हो, मेक श्योर जो भी मैंने ये वाली एक्सरसाइज करी है आपकी नी स्ट्रेट रहे, और जब आप ऐसे करो तो आपकी जो स्ट्रेच ये साइड वो स्ट्रेच हो, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे टो टच। अगर आप टो टच नहीं कर सकते हो इट इज ओके, बैक स्ट्रेट करते हुए नीचे आना है, जहां तक आ सकते हो वापस ऊपर आना है 10 times 1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. नाउ थोड़ा सा आपका लेग स्टार्ट हो जाएगा, सो आपको एक लेग पीछे और एक लेग आगे, देन हाथ दोनों आगे हैंड रेस करने, ठीक है? सो स्टार्ट, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. अब थोड़ा सा हम करेंगे स्ट्रेचिंग, सो आपको दोनों हाथ ऐसे रेज करने हैं, लेग स्ट्रेट, नी स्ट्रेट, और आपकी ये जो हील है उसको अप करना है और होल्ड करना होगा. होल्ड फॉर 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स, रिपीट, 1, 2, 3, 4, 5. वन मोर, 1, 2, 3, 4, 5. डन. तो ये थोड़ा सा हमारा वर्कआउट था जो हमने कर लिया है. अब हम करेंगे वर्कआउट स्टार्ट करना. नंबर वन एक्सरसाइज है हमारी स्लो बर्पीज, जिसमें आपको बर्पीज करने हैं. तो मैं प्रॉपर जो बर्पीज होते हैं पूरा लेट के उठना, वो वाले बर्पीज नहीं है, मिडिल लेवल के हैं. तो आपको बहुत स्लो करने हैं, और अगर आप जंप नहीं कर सकते तो मत करना, सिर्फ वापस आके खड़े हो जाना, वापस फिर वो स्टार्ट कर देना, ठीक है? सो स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो इससे आपको 10 करने हैं बर्पे. नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ऑन द स्पॉट रनिंग, जिसमें आपको एक ही प्लेस में होके रनिंग करना है अपना, और जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करिए. स्लो कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बिगनर हो स्लो कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको टाइम का ध्यान रखना है. कम से कम 30 सेकंड तक करना है, 20 सेकंड अगर करोगे तो कोई बात नहीं, बट कम से कम 30 सेकंड करोगे तो बहुत अच्छा है, और मैक्सिमम आप 1 मिनट भी कर सकते हो. तो स्टार्ट करेंगे 30 सेकंड. टाइमर मेरे सामने है, क्लॉक, 10 सेकंड कंप्लीट. Twenty, 25, and 30. नेक्स्ट में हम करेंगे जंपिंग जैक्स, जो भी बहुत ईजी है सबको पता होगा. सो हम करेंगे 25. स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 25. बहुत ही थी, 25 को आपको जंपिंग जैक्स करने हैं. नेक्स्ट में हम करेंगे स्क्वाट वॉक, जो आपको 5-5 ईच साइड करना है, तो टोटली 10 हो जाएगा. तो स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Three more. 8, 9. Last. 10. तो ऐसे आपको 10 करने हैं. अगर आपको स्क्वाट्स नहीं आते हैं तो मैं इसका ट्यूटोरियल लेके आऊंगी, कमेंट कर देना. और अगर आपको स्क्वाट्स पूरे नहीं हो तो हाफ करिए, पर स्क्वाट्स करने की कोशिश जरूर करिए.
नेक्स्ट में हम करेंगे पुशअप्स। अगर आप फ्लोर पे पुशअप कर सकते हो बेस्ट है। अगर आप बिगनर लेवल के हो और पुशअप नहीं करना आता तो आप ऐसे काउच की हेल्प से या टेबल की हेल्प से या फिर कोई बेड की हेल्प से भी कर सकते हो, जो कि हम कहते हैं इंक्लाइंड पुशअप। तो हम पुशअप करेंगे 10 करने हैं, जिसमें आपके दोनों हाथ ऐसे शोल्डर लेवल पे बैक स्ट्रेट और नीचे आना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमें करनी है 10 पुशअप। नेक्स्ट में हम करेंगे बॉटल क्लीन जग, जिसमें आपको चाहिए 2 वाटर बॉटल जो कि फिल्ड है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये फ्लोर पे ऐसे बॉटल रखनी है और इसे उठाना है एंड देन क्लीन जग करना है। जैसे हम जिम में अगर आपने कभी देखा हो क्लीन जग होते हैं ऐसे करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, बॉटल उठाई, बैक स्ट्रेट रहेगी, नीचे आओ यहाँ तक, देन वापिस 1 हो गया, ये वापिस आपको तो 1 है, वापिस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसके आपको 10 रेपिटेशन करने। अब हम करेंगे मैट एक्सरसाइज जो कि हमारे टमी के लिए है। तो इसमें एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको लेटना है और उठ के खड़े होना है। ये बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है और इस वर्कआउट को कोई भी कर सकता है जो ये एक्सरसाइज में बता रहे हैं। तो आपको ये 10 रेपिटेशन करनी है। आपको ऐसे लेटना है एंड देन खड़ा होना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसके हमें करने हैं 10 रेपिटेशंस। सो हम करेंगे अब लेग रेज, जिसमें हमें मैट पर लेटना है और हाथ आपके हिप्स के नीचे होंगे और लेग्स आपको अप करने हैं। जब आप लेग्स अप करो तो आपको ब्रीथ आउट करना है और जब आप लेग्स डाउन करो तो आपको ब्रीथ इन करना है। तो लेट्स स्टार्ट 10 रेपिटेशंस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब आप इसे नीचे लाओ तो अगर आप कोशिश करोगे कि जब आप नीचे आते हो तो ये फ्लोर पर टच मत करना, तो ये बहुत इफेक्टिव है। अगर हो जाएंगे स्टार्ट करें तो कोई बात नहीं, नहीं कर सकते टच तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको आपको 10 रेपिटेशन करने हैं। 30 सेकेंड का प्लैंक जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। तो अगर आप ऐसे एल्बो वाले प्लैंक कर सकते हो दिस तो आपको ही करना, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप हैंड से करोगे जैसे मैं आपको अभी बताऊंगी। तो आपको 30 सेकेंड करने हैं, मिनिमम 20 सेकेंड तो करना ही करना। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये बिगनर्स के लिए है, ऐसे प्लैंक करेंगे हम। स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 सेकेंड हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20। आप जब वर्कआउट करोगे तो आपको सामने ही देखना है और कीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, आपको ऐसे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहना है।
तो 30 सेकंड हो चुके हैं, ऐसे आपको लास्ट प्लैंक है। तो इसी के साथ हमारी लास्ट एक्सरसाइज भी खत्म। तो ये हमारा प्रॉपर वर्कआउट है, मेक श्योर आपको इस सर्किट में करना है, जो मैंने ये करीबन 10-11 एक्सरसाइज जितनी भी बताई है आपको इस सर्किट में करना है। मींस आपको लगातार करती रहनी एक्सरसाइज, और जब पूरे सारे एक्सरसाइज हो जाए तो आप एक मिनट का ब्रेक ले लेना, उसके बाद आपको दोबारा करना है। तो मैक्सिमम आप जितना रैप करना चाहो, जितना सेट करना चाहो करो, 5 करो 10 करो, जितना आपकी स्टेमिना हो, कम से कम 5 तो करो करो। अगर आप सर्किट ट्रेनिंग नहीं कर सकते तो आप इसे सेट वाइज भी कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो भी मैंने बर्पीज करे थे, तो आप पहले उसके 3 सेट करो 10-10 रेपिटेशन के साथ, फिर उसके बाद सेकंड में मैंने किया था ऑन द स्पॉट रनिंग, फिर उसको 30 सेकंड मैंने किया था ऑन द स्पॉट रनिंग, तो उसके 3 सेट करो। तो ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे आपको आपके अकॉर्डिंग जैसे आप कर सको। सो गाइस, ये था हमारा वेट लॉस वर्कआउट रूटीन जो आपको ऐड करना है अपने रूटीन में। अगर आपको वेट कम करना है तो इस वर्कआउट को आज ही से करना स्टार्ट करिए, इसे डेली भी कर सकते हो। और किसी भी एक्सरसाइज को लेके, चाहे वो स्क्वाट्स हो, पुशअप हो, उसको लेके कुछ भी आपको डाउट है या नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में ट्यूटोरियल लेके आ सकूं और वो एक्सरसाइज आप करना सीख सको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसे लगी, और रिजल्ट कमेंट में जरूर बताना। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल IMKV, और डू प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट आपको हर वीक मेरी न्यू वीडियो की अपडेट टाइम से मिलती रहे। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत है, कुछ भी वर्कआउट टिप्स चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करिए, वहां मैं डेली एक्टिव हूँ, वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच।